कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा बसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। पवित्र श्रावण मास अवसर रे अर्गस टीवीर भक्ति कार्यक्रम रे आपण मानक निकट रे उपस्थापित हेउथिबा श्रावण र शिव कथा तृतीय नयन कार्यक्रम र आज प्रसंग रही छंती अकर्म कर्मदायक शिव। नारदंकु मुनि माने पचारु छंती आपण तो सब संसार ज्ञाता आपण को विश्वर प्रसिद्ध देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये समस्त देवतांकर रहस्य एवं महत्व विदित दयापूर्वक आम मानू आपण भगवान शंकर अकर्म कर्मदायक जो गोटे ना अच्छी से संपर्क टे अवगत करातु। नारद खुशी होती कारण वक्ता सेतबेले खुशी होता है जेतेबेले प्रश्न सुंदर होता है। यदि प्रश्न भूल हम ताले उत्तर भूल हो तेणु उपयुक्त प्रश्नर समुचित उत्तर देउछंती नारद श्रवण करुछंती मुनि माने। नारद कहउछंती पुरातन समय रे जने प्रसिद्ध मुनि थिले जांकर नाम होउछंती मृकुंड पुराणर प्रसिद्ध चरित्र। ए मृकुंडंकर जेतेबेले समय अनुसारे विवाह हेछि का सहित ना मरुदमती मरुदमती सहित बहुत होती आम जहाँ कहे पत्नी धर्मपत्नी ये सांसारिक जीवन चक्रर भोगभाग्यमय विषय वस्तु नुहति धर्म उपासनार धर्म साधनार एकमात्र पाथेय साधनार सिद्धि लभवार एक सोपान किंतु एबे तो समय बदली आमे देखिबे संसार भितर बाहागर किछि दिन पर विभिन्न समय रे विशृंखला सब सृष्टि होउछि। तार कारण नारी के जेतेबेले काम बोली विचार करा जीव सेठी विशृंखला आरंभ ही आरंभ हम। अनेक दिन विवाह परे मुनि मृकुंड जेतेबेले संतान संतति हेइ नांती मरुदमती दिने मन दुख कर बसिछंती बहुत मन दुख कर जिते मुनि मृकुंड देखुं मरुदवती मनरे दुख पचार कहीं मन दुख करुच ना मन दुख कारण कौन आप अनुमान कर पार्थि हसी दे मुनि मुनि कहीं हसिले ना सी हो साधक सिद्ध तपस्वी सुख दुख निंदा प्रशंसा हानि लाभ ये सब कथा सामान मृकुंड बुझौं कह दुनिया में किए सुखे अच्छे कि तुम खाली दुखे अच दुनिया में सब दुखी दुखी दुनिया में सब दुखी दुखी राजमहलया चहल पहल राजमहलया चहल पहल रानी महलया चहल पहल कांत बिना कांदे चंदर मुखी दुनिया में सब दुखी दुखी। संसार सबू जिते जीव तांकर दुख ही दुख गृहारंभाय च दुख न सुखाय कदाचन ये संसार अन्य ना हूँ दुखालय कहीं मन दुख करुच कहार दुख ना कहल कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी कोई कोई धन बिनु
कोई कोई धन बिनु रहते उदासी, कोई कोई जन बिनु रहते उदासी। थोड़े थोड़े भाई सब दुखी, थोड़े थोड़े भाई सब दुखी, कोई नहीं पूरन सुखी, दुनिया में सब दुखी दुखी। मुकुंड बुझौंट कहले किए तनर दुख मान देह कार असुस्थ भल टा पैसा गदी गादी फोन पियानो गंडा गंडा कार अच्छी माला माला लोक खटुचंती सब कथा ठीक अच्छे किंतु एमती देखा जाए देहटा भल नते सुविधा भितर भी समस्त जिते बड़े भल भल छेना मिठा खाऊ भाई जी डायबिटीस टी सी ना मिठा खाईपर ना छेना खाईपर ना रात भल टे निद हो पार तेणु संसार धन प्राचुर्य भितर मनीष बेले बेले ये साधारण शरीर क्लेश को लेकिन चिंतित होता है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कार देह फिट अच्छी धन अच्छी सब प्रकार ठीक अच्छी किंतु मन दरज को भाई मलम ना ये मनटा एमतीका बिगड़ी जा रहा किसी सजाड़ी पार नई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई कोई धन बिनु रहते उदासी। आउ किसी लोक अच्छा देह भल अच्छी पिला छुआ अच्छा घर बाड़ी अच्छी किंतु धन बेसी ना जस्ट हैंड टू माउथ खाली चलने हो प्राचुर्य धनर ऐश्वर्य ये सब ना तेनाली मन भी दुख संसार आउ कि लोक अच्छा जहाँ जन ना अर्थ पिला छुआ ना मृकुंड अवस्था से मृकुंड पत्नी मरुदमती मनटा ये दुख हो माँ मान संपर्क आम जहाँ अच्छी सब वर्णना जे बहुत कथा विलास व्यसन रोथे कि गोटे जिनस निहटी भारी कष्ट लगे कौन से जिनस ये पाट पीतांबरी पिंधु थे छाती परे हार नाऊ थे पाट पीतांबरी पिंधु थे छाती परे हार नाऊ थे पुरंदरी परी होइले सुंदरी पुरंदरी परी होइले सुंदरी महाडाक जेबे न शुणबे महाडाक जेबे न शुणब नारी जन्म रे किबा लाभ महाडाक जेबे न शुणब चमत्कार रूपलावण्य होट पीतांबर पिंधु बेकरे सुनार गंडा गंडा हार लकेट सब लगे हाथ में सुनार कंकण पिंधु सब ठीक थी खावा पीबार असुविधा ना फ्लैट में उड़ू थबू कथा थी कि छुआ पा ना टे कौलिया माँ माँ गुलगुलिया कौलिया स्वर माँ डाक टे शुणु ना मन में जी दुख हम से माँ अवर्णनीय कथा सी अनुभव ही जाने तेणु मरुदमती आज अवस्था ठीक से मरुदमती व्याकुल जेहेतु बंध्या दोष छुआ पा ना तेणु सी व्याकुल कहते आपण मत कौन गोटे उपाय करतु जमी पुत्रवती हेबी प्रकृतर मरुदमती एवं मुनि मृकुंडर अनेक दिन पर कौन छुआ पा हम महामुनि मृकुंड धर्मपत्नी मरुदमती आलोचना पर्यालोचना निष्कर्ष ने निहाती पुत्र संतान टे दरकार मुनि मृकुंड पुत्र संतान लाभ निमित्त प्रजापति ब्रह्मा को उद्देश्य रे अनेक दिन धरी तप कले ब्रह्मा आविर्भाव हेले एवं कहिले जे मु जहाँ अनुभव करिछि तुमर कर कपाल कोष्ठी एथिरे कौनसी मते संतान जोग ना केमिति हबो ब्रह्मा जेतेबेले नास्तिवाणी शुणी मृकुंड अकर्म अकर्मदायक भूत भावन भगवान शंकरंकर उपासना कले शिव होचंती सेइ दियो जे आशुतोष सहजरे जीव को कृपा कटाक्ष प्रदान करती अशेष कल्याण करती से होचंती महादेव देवदेव महादेव शिवं निकटरे पुच्छर साधना एवं कठोर तपस्या आचरण कले मृकुंड भगवान शंकर आविर्भाव हेले अपूर्व रूप महेश्वर देवमानवे अगोचर साष्टांग प्रणिपात निवेदन कले मृकुंड तमेव माता च पिता तमेवम
त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे भगवान, तुमे माँ, तुमे बापा, तुमे बंधु, तुमे विद्या, तुमे मोर समस्त। गतिर्भर्ता प्रभु साखी शरण सुहृद निवास, आपण मोर सबु। दयापूर्वक मु आपणक निकटरे कृतांजलि पुटरे भिक्षा मागुछि। भगवान शंकर कहले कौन मागुछु ना, एटा आपणक पई बड़ कथा नुह, किंतु मो पई बड़ कथा। आपण जदि कृपा करी मते देबे ताहले हुए तो मो परिवार भितरे टिके हस र फुआरा फुटिबो। भगवान कहले कौन ना, संतान दरकार। प्रभु कहला संतान तो भाग्यरे नहीं। हाथ जोड़िले मुकुंड कहले ना प्रभु, जहाँ कपाल कि न थाए आपण ताको कृपा करके सबू दिंट, अतएव आपण मत कृपापूर्वक संतान प्रदान करतु। भगवान शंकर किसी समय चिंता करी कहले मुझे देवी जे तू आगे प्रथम बाछवाक पड़ो कौन को सतान नबू ना प्रभु केमिका सतान ना शहेटा मूर्ख पुह देदेवि नबू ना प्रभु मूर्ख पुओं को देले कौन असुविधा हम कौन आपड़ जाणिना से दैनिक बाहर कली झगड़ा गुड़ाक आम पाखक आँचे घरे आँचे सब बेले अशांति हम बर मेक गुणीपुत्र बर गोटे गुणीपुत्र दरकार नच मूर्ख शतान्य पी शहेटा मूर्ख पुत्र दुष्ट पुत्र मोर दरकार ना मना करदे मूर्खुंड कहले बर गोटे भल पु दरकार कारण आकाशे हजार हजार संख्यार तारा थे क्या आलोक पृथ्वी आलोकित हुए ना कि आकाश आलोकित हुए ना आकाश को आलोकित कै गोटे मात्र चंद्र यही कथा जो मृकुंड कौन शिव द्वितीय कथा उपस्थापन कर सहस्रेक पुत्र हेले हेबे बलवंत किंतु से होइबे स्वाहा स्वधा विवर्जित दीर्घायुष होइ बंचिथिबे चिर काल नीति प्रति होइथिबे अनर्थर मूल। यदि भल पुओ दरकार से भल पुओर आयुष टिके कम मुकुंड पचारे भगवान केते आयुष ना मात्र सात वर्ष ना ये मानकर ना ये जो दुष्ट पुओ जदि दरकार ये बहुत दिन जाए बंचिबे तो घर को सब अनर्थ बोहिक आणवे कौटा नबू टे चिंता करी कह दीर्घजीवी दुष्ट पुत्र ना स्वल्प आयु विशिष्ट शांतशिष्ट पुत्र शांतशिष्ट जदि पुत्र नबू ताले स्वल्प आयु से निश्चय नहिले गोटे पुत्र घेनी महामुनि जन्म होइबे से हु परम सुज्ञानी कहा को नबू। महामुनि मृकुंड चिंता कले हाथ जोड़े कहले भगवान मोर एमती ये शताधिक हजारे हजारे दुष्ट पुओ कष्ट देला पुओ मोर दरकार नहीं से सात वर्ष हो पचे भल पुटे दिंतु। शिव तथास्तु कहले शिवंकर बर अकाट्य अलंघ्य जहाँ कहे ताजी वर्तमान फेरी आसिले घर को मृकुंड किसी वर्ष पर मुकुंडर गोटे सुंदर पुत्र टीए जन्म हेले माघमास कृष्ण तृतीया तिथि पिलाटी देखा पूरा कला चिक्कण कला जेहेतु से मुकुंडर पुत्र तांकर ना दिगला मार्कंड जहाँ पुराण पृष्ठार प्रसिद्ध मुनि जहाँ को चिरंजीवी मार्कंडेय बोली कह जाए से ही मार्कंड मुकुंडर पुत्र माघ कृष्ण तृतीया से दिन भौम बार मूला सिंह बास करी छंति निशा कर विष्टिकरण सुकर्मा नामे हेला जोग मकर संक्रांति की बेनी दिन हुए भोग। जेते बेले मुकुंड जन्म हो गले छुआटे जन्म हेले जहाँ विधि विधान अच्छी पंचुआती ठू बार जात्रा एक दिवस रे नामकरण
सब कार्यक्रम सरिले क्रमान्वयरे मार्कण्डंकर शरीर बढ़िला वर्षक परे सो नक्षत्र बा जन्मदिन पालन हला दि वर्ष गला तीन वर्ष गला जिते बयस बढ़ी बढ़ी गला माँ बापा मन में से चलचंचलता अस्थिरता कहीं मूल कारण हूँ जे पिलाटीर आयुष हूँ सत वर्ष तेणु जिते बड़े पांच वर्ष हो गला माँ बापा गाल हाथ दे कि बसिले चिंता उभय पत्नी आ पत्नी मन में कौन करवा दि वर्ष मात्र रहिला दिने पचारे मार्कंड छोटिया पिला गुलगुलिया चेहरा हसुचंती खिली खिली दौड़ी आसिले बसीगले माँ कोल अन बापा को कहे माँ मो बापा कहीं एमतीका मन दुख कर बसी तो मनरे तो भी सरस ना कौन है माँ कहले धन यही घटना सब आम शिवंकु बर पाई तुमको आनीचु मात्र आयुष हूँ सत वर्ष आई वर्ष रहा मुकुंड कह कौन बाट करून चिंता कले कौन हम उपाय कौन अच्छी यापर आमर मुकुंड मुनि तपस्या कले तपस्या कलापर मार्कंड कहे बापा मो आयुष आपण कहीं तपस्या कर तपस्या करवा दरकार बापाकर पदांक अनुसरण कर शिशु मार्कंड छोटिया पिला मार्कंड तपस्या करने को बाहरी पड़े जंगल को कौटिक तपस्या कले ना जो सप्तऋषि मध्य प्रसिद्ध पुलह अत्रि अंगिरा क्रतु वशिष्ठ मरीचि इत्यादि ऋषि मैंने जंगल अवस्थान करती पुलह ऋषि पाखे पहुँचिले पुलह को प्रणाम नवेदन पूर्वक पुलह को कहले आपणकर शरणापन्न होबी एवं तपस्या करी पुलह ऋषि शिशु मार्कंडु समस्त कथा श्रवण पर महाप्रीत हेले कारण भागवत कहुई शिशुर नहीं परापर करई एक तो विचार शिशु देवदुर्लभ गुणर अधिकारी तेणु पुलह ऋषि मार्कंडंकर समस्त रहिबा खाइबार बंदोबस्त करी तांकु बाट बतेदेले बाट बतेदे गोटे सुंदर जगह को पठेले कहले तुम्हें जाए कंडु मुनि को देखा हुआ कंडु मुनि जे सिद्ध साधक तपस्वी तांको पाखरे जेते बेले पहुँचिले मार्कंड को देखला परे कंडु मुनि समस्त तथ्य संग्रह कले एवं शिवंकु आराधना कले शिवंक कृपा द्वारा केवल आयु वृद्धि हेबो बोली बतेदेले जेते बेले शिवंकर तत्व रहस्य कौन समस्त तत्व को बुझेदेले ओंकार सहित मृत्युंजय महामंत्र मार्कंड कर्ण रे कहिले से तपोवंत ऋषि छंद मंत्र बीज पंक्ति आदि करी ध्यान सहित तरे सबु कहिले विस्तारी आम तो घरे समस्ते मंत्र पढ़ुची मंत्र सिद्धि कहीं हूँ ना मंत्रर पुरस्चरण विधि तार छंद तार धारा ये सब संपूर्ण भाव ज्ञात न होबा ताले से मंत्र फलवती हम ना तेणु समस्त सूत्र समस्त तथ्य कंडु मुनि बतईदे मार्कंड को मार्कंड से ही धारे शिव को तपस्या कले जिते बड़े शिव को तपस्या कले शिव प्रीत हो गले भगवान आशुतोष भूत भावन शंकर जिते महादेव प्रीत होती अभय वर यह भाव प्रदान कले सात वर्ष से भितर अतिक्रम हो अर्थात पांच वर्ष दि वर्ष मिसला ता भितर सात वर्ष संपूर्ण होती जो दिन सात वर्ष संपूर्ण से दिन जमपुर चित्रगुप्त तथ्य बाहर कले जमराजा को खबर देले मणिमा आज मुकुंडंकर पुत्र मार्कंडंकर समय सरी सरी आसुची अंतिम दिन आज काल विकाल जो मैंने जमदूत दायित्व दिगला जाओ मार्कंड को आण ये दीज जत आँचिले से मार्कंडेय मुनि से शैशव अवस्था भगवान को
सुंदर सुंदर फूल चंदन अगुर कर्पूर कस्तूरी प्रदान पूर्वक शिवंकर स्तोत्र पाठ करुछंती। ये दुई जन जाक जेतेबेले से भितर को न जाई काल फास अर्थात जम दौड़ की पकेले जेतेबेले तांको बेकरे लागिला मार्कंडेयंकर बेकरे मार्कंडेय जानिले आज मोर अंतिम दिवस जवनिका करेबा पई जमदूत मानकर आविर्भाव शिवलिंग को कुंडेकर धरले कोलाग्रत कर धरले एपटे बेकरे दौड़ी मार्कंडेयंकर सेपटे दुई हाथ में जबुड़ी धरी घटना कौन है ना शेषे काल विकाल जो जमदूत ये तो आनीपारे ना तांकु शिवंक तरफर जो प्रकार भर्सना करागला जे ये मार्कंडेय आउ सात वर्षर आयुषधारी नुहंती ये शिव कृपारे सात कल्प जाए चिरंजीवी हेबे शास्त्र रे मार्कंडेय मुनि को सात कल्पर चिरंजीवी बोली विवेचना करा जाय थाए तेणु मार्कंडेय जे महादेवंकर महती अनुकंपा एवं महानुभव कृपारे निजर आयु वृद्धि करी परिथिले सेतिपाई कुहा जाए भगवान शंकर होचंती अकर्म अकर्मदायक जहाँ कर्म नथिबो जहाँ असंभव को संभव करिबार शक्ति नाही बोली संसारे के करिबो बा उकति आपणकर जो करित कर्मा जो क्रियानुष्ठान जहाँ विश्व रे जहाँ चराचर जगत रे कहा द्वारा संभव हुए नहीं भगवान शंकर द्वारा महादेव द्वारा ही संभव होता है। से आप देखिए भगवान शंकर सदा सर्वदा मशाणी में बसी तत्व कौन ना मूल तत्वटी हूँ मशाणी हूँ मृत्युर घर बाई मन रे मन घर मशाणी कर बाई मन रे मन मशाणी रे नीति जलू थे मन मशाणी रे नीति जलू थे महादेव निश्चय करिबे पार बाई मन रे तेणु मशाणी रे बसी महादेव समग्र चराचर जगत को सत्य बाई बार्ता दौंती रे जीव ये मशाणी की जी आसे सी हूँ शब आ मुझे शिव शब आ शिव भितरे जो अभेद तत्व कौन से ना गोटे मात्र हर्षिकार शबरे तालबेश हर्षिकार दिहज शिव आ शिवर जदि से इकार विलीन करब तेणु शिव शक्तिया युक्त जो तथ्य मशाणी रे भगवान शंकर से कथा कहते ब्रह्म जगिताए अग्निर घर बाई मन रे मन घर मशाणी कर तेणु मृत्यु तत्व को मृत्यु को सहज एवं सरल करिबार जो धारा जदि जीवन रे सार्थक करने को इच्छा ताले ए मुनि मार्कंडेयंकर महती तत्व जो अकर्म कर्मदायक भगवान जो अनुकंपा ता प्रसंग रे आमे समस्ते अनुभव करुचे भगवान शिव जहाँ को चराचर जगत रे समस्त जीव माने एतिपाई आराधना निराजना उपासना करती आप शुणी ग्रह मानक मध्यरे जहाँ राहु पड़ी और शनि पड़ी भारी कष्ट बहुत कष्ट मृत्युदंड समान दंड पाती जो मानक तो सब शनि पड़े तर सब के लक्षण हम शरीर में चर्म रोग आसो एमती कि घरे अग्नि संजोग हम तथा विदेश गमन हम बहुविध कष्ट राहु शनि प्रकोप रु उद्धार पाइबापी जीव मैंने शिवंर शरणापन्न हमें महादेवंर आशीर्वाद लाभ करने नित्य निरंतर विविध उपाय मान ग्रहण करती तेणु आज प्रसंगे मार्कंडेय महादेव कृपार चिरंजीवी होती जुगे जुगे महाप्रभुंर यही अमीय गाथा समस्त भक्त मान को आनंद प्रदान करुच्ची आज कथा को आपण मैंने श्रवण करुव समस्ते भगवान शिवंर
ବାରମ୍ବାର ସେ ମହତି କୃପାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ।